तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ और व्लॉग की स्टार्टिंग में एक नया प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ। परचेस लेके आया था, ये है बोट का स्टोन 193। काफ़ी बढ़िया है, दिखाता हूँ उसको आपको। ये देखिए, अनबॉक्सिंग कर दी, इसके वजह से कुछ खास आया नहीं। ये और ये चार्जिंग केबल है और उसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करने वाला केबल है, तो सही है। ये मेरे को 900 में पड़ा, 950 में प्रत्यक्ष लेके आया था। और इसको स्पेशल हमने यहाँ पे लगा दिया है, पूजा रूम के लिए लिया था इसको, नित नेम के पार्ट सुनने के लिए, राजस्व का पार्ट सुनने के लिए, और हनुमान चालीसा, लक्ष्मी जी के जितने भजन कीर्तन है ना उनके लिए लिया है स्पेशल इसके लिए। एक सीन ऐसा है, मैं जा रहा हूँ जिम, तैयार हो गया हूँ पूरा, और जिम काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। और जैसे कि पता है पिज़्ज़ा में, जैसे कि डोमिनोज हो गया और बाकी के पिज़्ज़ा हट या कुछ भी मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी होते हैं ना, जिम में भी फ्रेंचाइजी होती है। मतलब पहले मुझे नहीं पता था, अहमदाबाद आकर पता चला यहाँ पर कल्ट फिट करके एक फ्रेंचाइजी जिम की, पता नहीं फ्रेंचाइजी कहते हैं क्या कहते हैं, तो उसकी एक ब्रांच यहाँ पे, जो काफ़ी सही है जिम में, उसको फिटनेस फील करके उस जिम में जाता हूँ मैं। उसमें गरबा क्लासेस, डांस क्लासेस और योगा क्लासेस सब उसमें इंक्लूडेड हो जाता है, तो काफ़ी बढ़िया जिम है। अभी दिखाऊंगा आपको जिम। ये रही अपनी बुलेट, और मैं रोज़ जिम बुलेट से जाता हूँ, क्योंकि मेरी दूसरी बाइक वो पोरबंदर खड़ी है, नहीं तो मैं उससे जाता, क्योंकि बुलेट को है ना पार्किंग का इशू होता है, आगे पीछे करने में हाथ पैर दुखने लगते हैं। यहाँ पे पार्किंग मिलती भी नहीं अहमदाबाद में। तो बुलेट पार्क कर दी, पार्किंग में जगह थी आज। बच गया आप भीगने से, मैं जब घर से पहुंचा हूँ और इतनी तेज़ बारिश, आप देखो लिटरली आवाज़ से आपको महसूस हो रहा है कितनी तेज़ बारिश पड़ी, और बिल्कुल आधा घंटा पहले ऐसा बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि बारिश पड़ जाएगी, और इतनी तेज़ बारिश पड़ रही है। ये देखिए क्या बारिश हो रही है, ये अहमदाबाद की खूबसूरत बारिश, आवाज़ देख रहे हो। ये रेस्टोरेंट है, पता नहीं कैसा, मतलब इन्होंने ऐसा बना रखा है जुगाड़ करके, कम बजट में बना रखा है पर अच्छा चलता है। मतलब ये पीजी है, पीजी ऑल ओवर रेस्टोरेंट है, बढ़िया। नेक्स्ट डे, सो गाइस जस्ट बारिश रुकी है थोड़ी देर, वो मतलब पड़ रही है एकदम छोटा छोटा बूंद, तो मैं दूध लेके आ रहा हूँ पहले, बाकी तो रात से तो रुकी नहीं बारिश, पूरी रात पड़ती रही और अभी मुझे लग रहा है पूरा दिन पड़ेगी बारिश। देखिए फिर मौसम ऐसा ही हो रहा है बारिश बारिश का। ये अपना प्यारा वस्त्रापुर, बारिश तेज हो गई है, तो यार गाइस बारिश फिर तेज चालू हो गई, तब बंद हो गई अब दोबारा। और मैं सोसाइटी में जा रहा हूँ, सबसे पहले मैंने दूध लिया, दूध के बाद मुझे जुकाम सर्दी है तो उसकी गोली ली मैंने, मेडिसिन यहाँ पे बाजू में मस्त मेडिकल है वहाँ से ली, और फिर मैंने दूध और ये चाय पे कुछ नाश्ता ले लिया, और अब मैं जा रहा हूँ घर। तो गाइस 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए और बारिश अभी तक पड़ रही है। आप सोच रहे हो गए कि मतलब नेक्स्ट डे हो गया, मतलब आपको कुछ बदलाव नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि मैंने कपड़े सेम पहने हैं, कपड़े इसलिए सह पे रहे क्योंकि नहाया ही नहीं मैं कल, इतना मुझे कुछ काम हो गया शाम को रात को, तो मैं नहाया ही नहीं, तो मैंने फिर कपड़े भी नहीं बदले। चाहता तो मैं पैक भी बन सकता था कपड़े दूसरे पहन के, बता तो नहाया हूँ पर मैं नहीं नहाया। देखो कितनी तेज़ बारिश पड़ रही है, बहुत तेज़ पड़ रही है बारिश। सो गाइस मैं अंदर आ गया हूँ बाहर से, क्योंकि बाहर बौछार आ रही थी और मैं गीला हो जाता, मुझे गीला होने का इतना शौक होता था मैं सुबह नहा लेता, हमें पता नहीं क्यों गीली हो रही है, पूरा पानी आ रहा है,